हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अधिकारी टेक्निकल चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का तरफ थोड़ा देखिए कितना खूबसूरत, कितना शानदार लगता है। देखिए ये जो लाइट लगा हुआ है ना, कितना खूबसूरत लगता है। इसके अंदर मेरा नाम देखिए कितना खूबसूरत अक्षर में लिखा हुआ है। तो आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को आप लोग को इन तक देखने होगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार दिखाने के लिए अपना मोबाइल का डिस्प्ले को। जो देखेगा वही चौंक जाएगा, आपसे तुरंत पूछ बैठेगा आप कैसे ऐसा किया है, अपना मोबाइल का डिस्प्ले को, स्क्रीन को कैसे इतना खूबसूरत बनाया है, देखिए कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे में आप देखिए इस वीडियो को, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कैसे इतना खूबसूरत डिस्प्ले आप पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अधिकारी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त गोपाल। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरा अधिकारी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, तो मेरा आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, अपना मोबाइल का डिस्प्ले इतना शानदार एंड खूबसूरत करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन का जरूरत होगा, उसका लिंक मैं मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स देखिए ये है वो एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन करते हैं। ओपन करके सारे सेटिंग आप लोगों को मैं बता देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है इस वीडियो को। तो ये थोड़ा ओपन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं। देखिए आप लोगों को अलाउ करने को कह रहा है, आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के तो ऐड आएगा, ऐड को कट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोगों को सेट वॉलपेपर में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये वाला आ गया है सेट एज होम स्क्रीन वॉलपेपर, तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉर्डर लाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं या अपना गर्लफ्रेंड का नाम डाल सकते हैं। तो मैं जैसे मेरा नाम लिखा था ऐसे में बहुत सारे सेटिंग है, मैं तरह तरह के सेटिंग आप लोगों को दिखा देते हैं, ध्यान से देखना। तो मैं इसको ओपन किया तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आता है सेटिंग का, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही और एक ऐड आएगा, ऐड को कट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप स्पीड, जो लाइट का स्पीड है वो साइकिलिंग स्पीड को आप घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए उसको देखिए बॉर्डर साइज को घटा बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए उसको देखिए बॉर्डर साइज इन ऑन लॉक स्क्रीन वो भी आप कर सकते हैं। देखिए ये साइज है, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए आपके मोबाइल में नॉच है तो आप नॉच को ऑन कर दीजिए। तो मेरा इसमें नॉच नहीं है तो मैं प्लेन रख देते हैं। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड इमेज आप सेट कर सकते हैं, अपना इमेज इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए नेम सेटिंग नीचे में देखिए नेम सेटिंग, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके आप यहाँ से जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट स्टाइल है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको लूँगा, तो लेने के बाद देखिए इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते अपना कीबोर्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कट कर दीजिए बॉर्डर लाइट को, और यहाँ पे अपना नाम या गर्लफ्रेंड का नाम या किसी भी नाम को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मेरा नाम भी मैं लिख देते हैं, तो लिख दिया है। तो लिख देने के बाद और कुछ करने का नहीं है आपको, अभी बैक जाइए। तो फिर भी एक ऐड आएगा, ऐड को कट कर देना है। तो और एक बार बैक जाइए, बैक जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को सेट वॉलपेपर में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये वॉलपेपर को सेट कर लीजिए अपना फ़ोन में, देखिए सेट एज होम स्क्रीन वॉलपेपर, तो ये सेट हो चुका है। देखिए ये हो गया है सेट, कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों, कितना खूबसूरत लगता है ऐसे में। देखिए कितना शानदार लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। देखिए तो ऐसा ये छोटा सा ट्रिक्स को यूज़ करके, ये छोटा सा एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपना फ़ोन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना एंड कमेंट करना शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।